मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ा रहे थे अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। ठीक, तो अर्धचालक में काफ़ी दो तीन चीज़ें पढ़ा दी थी। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा था अर्धचालक के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये बताता है कि अर्धचालक दो प्रकार का, ठीक है, एक होता है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। अब शुद्ध और अशुद्ध क्या होते हैं? शुद्ध अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जिनमें नॉर्मली चालकता का प्रभाव नहीं पाया, नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें चालकता नहीं पाया। और अगर इसका हम टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देते हैं तब तो पृथ्वी कैसे हो जाती है? तब तो पृथ्वी कुचालक हो जाती है। कुचालक क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी चालकता में कमी आती है, उसकी चालकता में कमी आती है। तो जब टेम्परेचर को हम परम ताप तक ले जाते हैं, परम ताप मतलब 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं परम ताप तक, तो परम ताप तक पहुंचने के बाद ये जो अर्धचालक होते हैं शुद्ध अर्धचालक ये कुचालक की तरह व्यवहार कर लेते हैं। ठीक, शुद्ध अर्धचालक को कहते हैं आंतर, उसको कहते हैं बाह्य, ठीक है ना, आंतर अर्धचालक और ये बाह्य कुचालक की तरह व्यवहार कर लेते हैं, ठीक है ना। और अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? अशुद्ध अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जो होते तो शुद्ध हैं लेकिन इनको चालकता प्रदान करने के लिए कह लो या फिर रिएक्शन में बने रहने के लिए कह लो हम कुछ अलग से मिला देते हैं। ठीक, हम कुछ अलग से कोई तत्व मिला देते हैं। जब हम अलग से कोई तत्व मिला देते हैं तो उसमें चालकता आ जाती है। क्या आ जाती है? चालकता आ जाती है। चालकता आई कैसे? इसमें चालकता आ जाती है, ये केमिकल रिएक्शंस वगैरह करने लगते हैं, ये रिएक्शंस वगैरह करने लगते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल वगैरह आ जाते हैं। ठीक, तो अभी अशुद्ध अर्धचालक के बारे में आगे पढ़ लेंगे। ठीक, पहले पढ़ते हैं शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, ओके, आंतर अर्धचालक। ठीक, तो आंतर अर्धचालक का मतलब क्या? आंतर अर्धचालक जो चालक होते हैं ये कंप्लीटली चालकता प्रदान नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ तत्व कहते जैसे सिलिकॉन को मान लो, ठीक, या जर्मेनियम को मान लो, ठीक, तो ये क्या है? ये शुद्ध अर्धचालक है। अगर इनका अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 2, 8, 4, 4, 2, 6, 8, 14, क्योंकि सिलिकॉन में कितना होता है? तो जर्मेनियम पे कितना होता है? 30, क्या आएगा 30? जर्मेनियम का होता है 32, ठीक है ना। तो जब इनको हम तोड़ेंगे, ठीक, तोड़ेंगे कहने का मतलब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका आएगा 2, 8 और 4, ये तो आएगा 2, 8 और 4। जब इसको तोड़ेंगे तो 2, 8, 18, 18, 2, 20, 8, 28, 4, 32, इनके आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बोर का नियम वगैरह, तो उनमें एक नियम है बोर का, जो बोर का नियम कहता है कि आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही युग्म बन जाते हैं, ठीक है ना। अब मान लो जैसे कोई तत्व है 2, 8, 1, है ना, तो जब ये युग्म बनाएगा तो इसका आखिरी का इलेक्ट्रॉन है ये उसमें भाग लेता है, तो जो तत्व होगा ये बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर देगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है बहुत जल्दी किसी के पास चला जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर है 2, 8 और 7, है ना, मान लो 2, 8 और 7, तो 7 में इसमें क्या इतने एक चाहिए होगा, तो ये जो तत्व होगा ये बहुत जल्दी ही किसी के रिएक्शन करके एक कैटेगरी अंदर आ जाएगा। वैसे पॉसिबल तो नहीं, क्योंकि वो जो हमेशा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तत्व होते हैं पूरा पहले वाला, है ना, काफी सारे नियम है। ठीक,
हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और एक इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर इसे मिल जाए तो बहुत जल्दी क्रिया करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और अपना आखिरी कक्षा पूरा कर लेंगे। आखिरी कक्षा को पूरा या स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। पढ़ा होगा कि आखिरी कक्षा को पूरा स्टेबिलिटी के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 8 इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं आखिरी में कितने हैं, 4। इसमें क्या है, इसमें आखिरी में कितने हैं, 4। एक होता तो चला जाता, 7 होता तो आ जाता, लेकिन 4 संख्या कैसी है, 4 संख्या है बीच, मतलब या तो 4 जाएंगे या ही 4 आएंगे, ठीक है, या तो 4 जाएंगे या तो 4 आएंगे। जब 4 जाने और 4 आने के लिए है तो अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर बना, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर का कैसे बनाएंगे, ये देख लो उसके कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। एक और अणु मान लो उसके में कितने हैं, 4। एक और मान लो उसके में कितने हैं, 4। क्योंकि इसके सारे परमाणुओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। अब 1, 2, 3, 4 क्लियर। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने निकटतम इलेक्ट्रॉन से या निकटतम परमाणु से उससे एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो क्या होगा, जब सहसंयोजक बंध बनाएंगे तो ये आपस में एक बड़ा सा बॉन्ड बना लेंगे। कैसा बना लेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक। इस संयोजन को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4-4 ये होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, संयोजी बॉन्ड या संयोजक बॉन्ड, ठीक। तो ये संयोजी बॉन्ड जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक। नॉर्मली आसानी से ये टूटता नहीं है, जब नॉर्मली और आसानी से टूटता नहीं है तो जो अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है, अंतर अर्धचालक होता है, उसमें नॉर्मली में चालकता हुई नहीं होती, क्योंकि चालकता हमारी डिपेंड क्या करती है, चालकता हमेशा डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनों पर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, जब सभी इलेक्ट्रॉन आपस में संतुष्ट है, संयोजी बॉन्ड बना रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जाने आएंगे तो चालकता होगी क्या उसमें, नहीं होगी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें क्या होगा, चालकता नहीं होगी। और जब हम इनको ज्यादा हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ज्यादा हीट कर देते हैं, तो ये एक कुचालक की भांति कार्य करते हैं। इसकी भांति कार्य करते हैं, ये एक कुचालक की भांति कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है, इलेक्ट्रॉन या होल का बंध, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन या होल, होल को हम रबर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल का बनना, क्लियर है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, देखो जैसे सभी अपने अपने 4-4 इलेक्ट्रॉन से अपना कक्षा पूरे किए हुए हैं, सभी बने हुए, ठीक है, ओके। लेकिन क्या होता है कि जब हम शुद्ध अर्धचालक में ताप को बढ़ाते हैं, इसको ताप बढ़ाने से क्या होता है, ताप बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, ठीक, उसकी गतिज ऊर्जा कैसे होगी, इंक्रीज होती जाएगी, जैसे ही ताप बढ़ाते चले जाएंगे हमारी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। और एक टाइम ऐसा होता है कि ताप बढ़ाते रहने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा अधिक होने से ये जो सहसंबंध बनाया गया ना, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं, बाहर आ जाते, फ्री हो जाते हैं ना। तो जब इलेक्ट्रॉन सहबंध में टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तब दो प्रकार की स्थिति आती है, एक वो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि सहबंध में जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एक सहबंध बनाएंगे, ठीक। जब इस सहबंध को तोड़ेंगे तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन दोनों आबंध बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर खाली हो गया, और यहां पर
एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। तो जो खाली स्थान होता है या जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो रिक्तता आती है उसको हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। जो इलेक्ट्रॉन निकलने पर ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर जो आवरण टूटते हैं उनमें निकले हुए इलेक्ट्रॉन के बाद जो रिक्तता आती है उसको हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अब क्या होता है, आप जो इलेक्ट्रॉन निकल गया ये होल आ गया, होल तो ये पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है। जब हम किसी को कुछ दान देते हैं तो हमेशा हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गवाया है, इसको हम क्या कहेंगे? इसकी रिक्तता को हम होल कहेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक। इसने गवाया है, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन तो माइनस का होते हैं, तो ये प्लस और माइनस, होल और इलेक्ट्रॉन, होल और इलेक्ट्रॉन, ये देते हैं कार्बन, ये देते हैं हमारे चालकता में, क्योंकि चालकता के लिए हमें इलेक्ट्रॉन और प्लस माइनस चाहिए होते हैं। तो जब ये प्लस माइनस मुक्त हो जाते हैं तो ये हमारे चालकता में भाग है। क्लियर है? अब इसके आगे और टर्मिनोलॉजी से नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।